खत्म किया। शायद अंग्रेजों को जिस तरह से हमने मार के भगाया इस देश से, वैसे ही अंग्रेजियत को भी मार के ही भगाना पड़ेगा इस देश से। ये जाएगी नहीं आसान। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जिसमें इस देश के साधारण नागरिक को मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार हो, कितनी भी ऊंची पढ़ाई, मातृभाषा में न्याय का अधिकार हो, कितना भी ऊंचा न्याय, मातृभाषा में उसको पत्र मिले प्रशासन के और शासन के, मातृभाषा में ही उसका सारा काम चले। वो अंग्रेजी क्यों सीखे? क्योंकि इंग्लैंड में कोई हिंदी नहीं सीखता, तो हम अंग्रेजी क्यों सीखे? इंग्लैंड का कोई माँ बाप इस बात के लिए परेशान नहीं है कि उसके बेटे या बेटी को हिंदी नहीं आती, तो हमारे माँ बापों को क्यों परेशान होना चाहिए कि हमारे बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती? सिर्फ इसलिए कि सरकारी नौकरी अंग्रेजी में ही मिलती है। कानून बदल दो, सरकारी नौकरियों को मातृभाषा में देना शुरू करो, अंग्रेजियत का भूत सबके सिर से एक झटके में उतर जाए। ऐसा कानून हम चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए जितने भी कानून है, वो शिक्षा के हों, न्याय के हों, चिकित्सा के हों, स्वास्थ्य के हों, सब खत्म करना है। और ऐसे कानून की संख्या 34,735 है, वो सब खत्म करना हम चाहते हैं। और वो खत्म होंगे तभी हमारे शहीदों की आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं तो उनको शांति कैसे मिलेगी? क्योंकि जिन कानूनों के खिलाफ लड़ते लड़ते उन्होंने प्राण दिए हैं, अगर वही कानून आजादी के 60 साल बाद भी चल रहे हैं, तो शहीदों को कौन सी श्रद्धांजलि हम देंगे?